हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री इन टू। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं फोटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, या मैं कह सकता हूँ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में। इस लॉ का एप्लीकेशन या इस लॉ का यूज़ आपने बहुत बार प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में किया होगा, एंड आई एम श्योर कि जो भी बीएससी में या एमएससी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपने अपने अपने लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट पक्का किया होगा, जहाँ पे आपने कुछ ट्यूब्स लिए होंगे जिसके अंदर कलरफुल कंपाउंड्स भरे होंगे, जैसे KMnO4 का सोल्यूशन, और आपने ये देखा होगा कि इंटेंसिटी कितनी एब्जॉर्ब होती है, कितनी एमिट होती है। इनडायरेक्टली मैं आपसे कहूँ तो आपने बियर्ट लैम्बर्ट लॉ का यूज़ हर जगह किया होगा। बियर लैम्बर्ट लॉ जो होता है वो डील करता है इंटेंसिटी, या मैं कह सकता हूँ एक तरीके से फोटोकेमिस्ट्री में इसको पढ़ाया जाता है कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और कितनी एनर्जी या इंटेंसिटी कितनी ट्रांसमिट हुई है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है, एक ट्यूब है। लेट मी टेल यू, ये जो ट्यूब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये ट्यूब बहुत स्पेशल ट्यूब होती है, आप सबने यहाँ पे यूज़ किया होगा, काफ़ी सेंसिटिव ट्यूब होती है, आप इसको तोड़ नहीं सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते इसको तोड़ने के लिए, एक अलग मटेरियल से बनी होती है। आप इस ग्लास की ट्यूब को यूज़ करोगे जो कि क्यूबिकल शेप में होगी, एक रेक्टेंगुलर शेप में होगी। आप यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखोगे जिसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। यहाँ पर आप एक सोल्यूशन लेके आओगे, एक ऐसा सोल्यूशन जो लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला है, एक लाइट एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन। वो एक कलरलेस सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलरलेस सोल्यूशन कभी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और हम जो यहाँ पे लाइट डालने वाले हैं, अब वो जो लाइट होगी वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होनी चाहिए। इसलिए हम एक ऐसा सोल्यूशन लेके आएंगे जिसके अंदर प्रेजेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट जो होगा उसके अंदर वो लाइट को एब्जॉर्ब करना चाहिए। अब हमको ये करना है कि हम यहाँ से जो लाइट डालने वाले हैं उसकी कुछ इंटेंसिटी, पहली बात तो हम उसका वेवलेंथ फिक्स कर देंगे। लेट अस फिक्स अ वेवलेंथ। वेवलेंथ फिक्स कर दिया भाई, जैसे 530 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, व्हाटएवर, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस वेवलेंथ को फिक्स कर दो। अब वेवलेंथ फिक्स करने के बाद उसकी इंटेंसिटी फिक्स करो। देखो इंटेंसिटी का जो मीनिंग होता है ना यहां पे, इट्स कॉल्ड एज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि अगर मेरे पास ये सरफेस है, इस यूनिट, ये मेरे पास एक क्यूब है, जैसे मैं आपसे बता रहा हूं, ये मेरे पास एक छोटा सा क्यूब है, और इसका जो एक सरफेस एरिया होगा, उस पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे कितना फोटॉन्स इंसिडेंट आ रहा है परपेंडिकुलरली, पर मीटर स्क्वायर या पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना फोटॉन्स है जो वहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है या वहाँ पे गिर रहा है, उसको हम कहते हैं उसका इंटेंसिटी। जब मैं कहता हूँ उसका इंटेंसिटी बढ़ गया है, मतलब एक सेकंड में वहाँ पे कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, मैं कहूँगा बहुत इंटेंस। उससे उसकी एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है। देखो एनर्जी डिपेंड करती है वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पे, और इंटेंसिटी का मतलब होता है एक सेकंड में कितने आ रहे। जैसे मेरे पास एक सिंपल सा फंडा है, मेरे पास एक प्लास्टिक की बॉल है। अब प्लास्टिक की बॉल है तो हल्की होगी। अब मैं ऐसे प्लास्टिक की बॉल लेता हूँ और एक सेकंड में आपके पास 50 फेंकता हूँ। प्लास्टिक की बॉल का वजन उतना ही है, लेकिन एक सेकंड में वो 50 आ रही है। अब मैं रबर की बॉल लेता हूँ, आटे का रबर बॉल, अब रबर बॉल का वजन बढ़ गया। वजन वो होगा, वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेकिन एक सेकंड में कितने आ रही हैं हम उसको कहते हैं उसका इंटेंसिटी। सिमिलरली जो मेरे पास रेडिएशन होगा उसका इंटेंसिटी डिपेंड करता है कि एक सेकंड में कितना फोटोन जा रहा है, और एनर्जी जो है वो तो मैंने फिक्स कर दिया क्योंकि मैंने उसका वेवलेंथ फिक्स कर दिया है। वेवलेंथ फिक्स हो गया तो एनर्जी फिक्स हो गया। अब हमें यह देखना है कि जब वो एनर्जी जिसका इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी I0 है, वो इंटेंसिटी जब यहां से गुजरेगा तो वो होते हुए सोल्यूशन से बाहर आएगा, तो कितना इंटेंसिटी, मतलब एक सेकंड में अगर वहां पे 50 फोटॉन्स गिर रहे थे तो कितने फोटॉन्स वहां पे एब्जॉर्ब हो गए और कितने फोटॉन वहां से ट्रांसमिट हो गए, हमें उसका इंटेंसिटी में डिक्रीमेंट देखना है। तो चेंज इन इंटेंसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, जब वो एक हल्के से डिस्टेंस से गुजरी होगी लाइट, वो एक छोटे से डिस्टेंस से गुजरी होगी, तो कितना इंटेंसिटी में चेंज आया होगा। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, चेंज इन इंटेंसिटी पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस को dx के साथ लिखते हैं। अभी बड़ा सिंपल सा फंडा है, जब लाइट वहां से गुजरेगी तो एब्जॉर्ब हुई होगी, तो इंटेंसिटी में जो चेंज होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा, घटा होगा, तो हम लोग वहां पे उसको लिखते हैं माइनस। व्हेनेवर द चेंज इज नेगेटिव, जब कोई चीज कम हुई होती है तो हम उसको माइनस के साथ लिखते हैं। तो इंटेंसिटी में कितना चेंज आएगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, कि भाई कॉन्सेंट्रेशन कितना है, एज वेल एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि उसका इनिशियल इंटेंस, उसका इंटेंसिटी कितना है, व्हाट इज द इंटेंसिटी। जैसे यहां पर जब वो पहले एक सेंटीमीटर, जैसे एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर का बना हुआ है, ऐसे छोटा छोटा करके 3 सेंटीमीटर का बना है, तो जब वो पहले 1 सेंटीमीटर से गुजरा होगा तो उस समय इनिशियल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हुई होगी, तो पहले 1 सेंटीमीटर में कुछ एब्जॉर्ब हो गया होगा। अब जब वो दूसरे सेंटीमीटर से गुजरेगा, जब वो सेकंड पार्ट में से पास होगा, तो ऑब्वियसली उतनी एनर्जी, अब उतनी इंटेंसिटी नहीं होगी जितनी स्टार्टिंग से आई होगी, क्योंकि पहले ही 1 सेंटीमीटर में एब्जॉर्ब कर लिया होगा। जैसे एक सिंपल सा फंडा है, मेरे पास मैं खड़ा हूं, ऐसे 3 लोग लाइन से खड़े हैं, ठीक है, मैं भी कुछ बॉल्स एब्जॉर्ब कर, मैं भी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब
करने वाला हूँ। स्टार्टिंग में जो एनर्जी निकल के आई, जो फोटोन आए पहले इंसान के पास, उसके पास 50 आ गए, तो उसके लिए इंसिडेंट कितना हो गया 50, उसने 10 रख लिया 40 इधर दे दिए। अब इसके लिए इंसिडेंट कितना है 40, क्योंकि पहले वाले ने 10 एब्जॉर्ब किया, इसके पास आते आते तक 40 हो गया, अब इसने उसमें से 10 रख लिया, अब मेरे पास आते आते कितना हो गया 30, मैं 30 में से 10 रखूंगा। हम सब ने 10 रखा है, या मैं कह सकता हूं हम सब ने इक्वल रखा है, लेकिन उसने 50 में से 10 रखा, इसने 40 में से 10 रखा, मैंने 30 में से 10 रखा। सिमिलर केस में मैं कहूंगा जब लाइट यहां से गुजर के वहां जाएगी तो हर सेंटीमीटर कास पार करने के बाद उसके अंदर इंक्रीमेंट, उनके अंदर डिक्रीमेंट आएगा उसके इंटेंसिटी में। तो एवरी सेंटीमीटर जो डिक्रीमेंट आता है, चेंज इन इंटेंसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, दिस मीनिंग, ये जो है ना ये फॉर्मूला समझना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स भी बहुत पढ़ते हैं ये। आई एम सॉरी टू से, बट मेरे पास अभी रिसेंटली कुछ मैसेजेस आ रहे थे, सर वी आर फ्रॉम बायोलॉजिकल बैकग्राउंड एंड समटाइम्स वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग्स, और ये कहीं ना कहीं काइनेटिक्स से भी रिलेटेड है। तो ये थोड़ी सी चीजों को समझाना बहुत जरूरी हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड्स हैं, जो मैथमेटिक्स में शायद इतने फ्लुएंट या इतने एफिशिएंट नहीं है। तो आई होप ये मीनिंग समझ में आया। नेगेटिव साइन का मतलब यहां पे मतलब होता है डिक्रीमेंट, यहां पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। अब एक काम करते हैं, दिस फॉर्मूला इज समवेयर रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन केमिकल काइनेटिक्स, दैट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वहां पे सम कांस्टेंट इनटू आता है। तो यहां पे भी हम इसको हटाते तो हमारे पास, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ लिखना है। तो कहना इसे di by dx will be equal to some constant, अब उस constant को हम क्या लिख देते हैं, उस constant को हम अल्फा लिख देते हैं, अल्फा into c into i, और मैं माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब एक काम करते हैं, इसको ना रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, di by i सिमिलर टर्म्स को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा into c into dx, और अब एक काम करते हैं इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करते हैं, देखो मुझे ये नहीं पता करना है कि एक सेंटीमीटर में कितना डिक्रीमेंट हुआ, मुझे ये पता करना थ्रू आउट कितना डिक्रीमेंट हुआ। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का पता करना है, तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा। कहां से कहां तक, मैं वहां से करूंगा जहां पे लेंथ का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो हो, वहां से लेके एक्स का वैल्यू जो वो पूरी लेंथ कवर कर जाए, और टोटल लेंथ को मैंने कितना लिखा हुआ है बी, व्हेन एक्स का वैल्यू कम्स आउट टू बी बी, यानी जीरो से लेके बी तक डिस्टेंस को हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब डिस्टेंस जीरो है यानी एक्स का वैल्यू जीरो, और टोटल डिस्टेंस जो वहां पे कवर करने वाला है वो कितना हो जाएगा बी, बी का मतलब यहां पे हो जाएगा फॉर अ टाइम बीइंग 3 सेंटीमीटर। अब समझ में आया, अब मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटेंसिटी को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, स्टार्टिंग में इंटेंसिटी कितनी थी, स्टार्टिंग में इंटेंसिटी आई जीरो थी, जब बाहर निकलेगा तब इंटेंसिटी कितना हो जाएगा आई, तो आई विल बी इंटीग्रेटिंग इट, आई विल बी इंटीग्रेटिंग। अब अल्फा और सी को तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट, तो इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा, आई जीरो से लेके आई तक इंटीग्रेट करूंगा। इसको कहां से करूंगा, एक्स का वैल्यू जीरो से लेके एक्स का वैल्यू जहां बी नहीं हो जाता तब तक इंटीग्रेट करूंगा। अब जब मैं इस फॉर्मूले को सॉल्व करूं तो इसका जो आंसर आता है दैट विल बी ln of आई ब्रैकेट, और कितना कहां से कहां तक हो जाएगा, आई जीरो से लेके आई तक विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू सी, इसका आंसर आएगा एक्स, लेकिन कहां से कहां तक, जीरो से लेके बी तक। ये समझ में आया। अब देखो एक चीज आपको याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स का जो आंसर आता है वो होता है लॉग एक्स। जब आप उस पर लिमिट्स लगा देते हो तो देन द आंसर बिकम्स ln ऑफ एक्स। अब जो ln का मतलब होता है, ln का मतलब होता है log टू द बेस e। अगर आपको इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हम जो नॉर्मल log लेते हैं वो log टू द बेस 10 लेते हैं, हम log टू द बेस e नहीं लेते, इसको नेचुरल लॉगरिदम कहते हैं, हम नेचुरल log नहीं यूज करते, हम ये जो नॉर्मल हमारे पास बेस टू द बेस 10 वाला log है हम उसको यूज करते हैं। पहले तो अब इसको लिमिट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा ln ऑफ i माइनस ln ऑफ i नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा c, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का वैल्यू जीरो, अपर लिमिट, जब अपर लिमिट कितना होगा b, माइनस लोअर लिमिट कितना हुआ होगा जीरो। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या बचेगा, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ln ऑफ i माइनस ln ऑफ i जीरो, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा ln ऑफ i अपॉन i जीरो। आई होप डिवीजन का रूल आपको याद है, नेचुरल लॉगरिथम का, a माइनस b का मतलब होता है a अपॉन b। दिस विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू सी इंटू क्या हो गया, इंटू वहाँ पे आ गया बी। अब मेरे पास ये फाइनल फॉर्मूला आ गया, माइनस को शिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा, एल एन ऑफ आई जीरो अपॉन आई विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू सी इंटू बी, इसको हटा दो तो क्या बन जाएगा, 2.303 लॉग टू द बेस 10 क्या हो जाएगा, आई जीरो डिवाइडेड बाई आई विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू सी इंटू बी। मुझे वहाँ पे अल्फा चाहिए, एक काम करो अल्फा वहीं पे रखो, देयरफॉर अल्फा जो कि हमारा वहाँ पे कॉन्स्टेंट है, आई होप आपको पता होगा जब मैंने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो मैंने वहाँ पे अल्फा इंट्रोड्यूस किया, दैट वॉज योर कॉन्स्टेंट, ठीक है। अच्छा तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा विल बी 2.303 डिवाइडेड बाई बी इंटू सी लॉग
टू द बेस 10 आई जीरो डिवाइडेड बाय आई। अब देखो ये जो आपने फॉर्मूला देखा दिस इज जस्ट व्हाट सिमिलर टू जो आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में पढ़ा होता है, आपको याद हो, अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ। वहाँ पे आपने फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा के विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ए जीरो डिवाइडेड बाय ए टी। ये वैसा ही है, बस यहाँ पे बी इंटू सी है, वहाँ पे टाइम आता था, यहाँ पे टाइम फैक्टर नहीं है, यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन इंटू लेंथ, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। यहाँ पे सी का मतलब आपके पास क्या होता है, सी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, और बी का मतलब यहाँ पे जो है, बी का मतलब आपके यहाँ पे क्या हो जाता है, लेंथ, उस पूरे क्यूब का लेंथ कितना है। ठीक है, अब एक काम करो 2.303 को नीचे ले लो, तो अल्फा अपॉन 2.303 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन बी इंटू सी लॉग टू द बेस 10 आई जीरो अपॉन आई। अभी जो अल्फा अपॉन 2.303 है ना, इसको हम लोग एप्सिलॉन के साथ लिखते हैं, एप्सिलॉन सब्सटीट्यूट करते हैं, विल बी इक्वल टू 1 अपॉन बी इंटू सी लॉग टू द बेस 10 आई जीरो डिवाइडेड बाय आई। ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो बी इंटू सी, ये जो अल्फा, ये जो एप्सिलॉन आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया ना, इसको कहा जाता है मोलार एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, या इसको कहा जाता है एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। तो इसको लिखते हैं इस तरीके से ई एक्स टी आई एन सी टी आई ओ एन एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। अगर मेरे से लिखते समय CIE लिखते समय अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो प्लीज़ इग्नोर करना। लिखते लिखते कभी कभी बहुत बहुत बार ये वीडियोस में मिस्टेक होती है कि हम लिखते लिखते 2 का स्क्वायर 6 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर कभी 8 ले लेते हैं, तो कभी कभी न्यूमेरिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करो, दैट इज ह्यूमन एरर, वो ह्यूमन एरर हो जाता है। इसको एक्सटेंशन कोएफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये बी इंटू सी को इधर ले लूं, तो एप्सिलॉन इंटू बी इंटू सी विल बी इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 आई जीरो डिवाइडेड बाय आई। इसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन ए, ए विल बी इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 आई जीरो डिवाइडेड बाय आई। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको यूज करना है कि कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, एब्जॉर्प्शन का वैल्यू कितना है, ये डिपेंड करता है लॉग टू द बेस 10 इनिशियल इंटेंसिटी कितना था डिवाइडेड बाय फाइनली कितना आया, विच विल बी इक्वल टू, ये इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर, एप्सिलॉन इंटू बी इंटू सी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब एक और चीज आपको याद रखना है, ये तो हम लोगों ने किसके बारे में बता दिया, एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस कितना है ये हमने बता दिया, भाई कितना एब्जॉर्ब हुआ है अंदर, दैट इज इक्वल टू इनिशियल कितना था, फाइनल कितना था, उसका रेशियो लो और उसका लॉगरिदम निकाल लो, यानी अल्फा इंटू बी इंटू सी निकाल लो, एप्सिलॉन इंटू बी इंटू सी निकाल लो। सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसमिटेंस, कितना है, कितना बाहर निकल गया है, ट्रांसमिटेंस कितना है। नाउ एक और वर्ड हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कहा जाता, मैं यहां लिख रहा हूं उस चीज को, जिसको कहा जाता है ट्रांसमिटेंस। तो ट्रांस मिटेंस का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो इग्नोर करना प्लीज। ट्रांसमिटेंस को हम टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है कितना बाहर निकला डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था, इट्स अ रेशियो ऑफ कितना बाहर निकला डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था। लाइट ट्रांसमिटेड पर यूनिट गिरा, मतलब अगर 10 बॉल आए तो कितने बॉल बाहर निकले तो पता चलेगा कितने अब्सॉर्ब कितने हुए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आई एम आस्किंग यू कितने आए और कितने बाहर निकले, तो कितने बाहर निकले डिवाइडेड बाय कितने थे, उसका जो रेशियो आएगा उसको हम कहेंगे ट्रांसमिटेंस। अब देखो अगर मैं दोनों साइड में लॉग ले लूं, तो लॉग टू द बेस टी विल बी इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ऑफ आई अपॉन आई जीरो। अच्छा, अब अगर आई अपॉन आई जीरो को इसको उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 आई जीरो डिवाइडेड बाय आई। अब माइनस लॉग टू द बेस 10 माइनस लॉग टू द बेस, अभी अगर मैं सिर्फ लॉग टू द बेस 10 आई जीरो अपॉन आई को देखूं, तो लॉग टू द बेस 10 आई जीरो अपॉन आई को देखूं, तो ये ए होता है, तो लॉग टू द बेस 10 टी विल बी इक्वल टू माइनस ए। तो अगर आपको ट्रांसमिटेंस पता करना है, लॉग टू द बेस 10 और ट्रांसमिटेंस पता करना है, तो आप माइनस ए निकाल लो। अच्छा, मतलब ट्रांसमिटेंस पता करना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 यहाँ से हटेगा तो इट विल बी 10 टू द पावर माइनस ए। ये फॉर्मूले जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर ट्रांसमिटेंस निकालना है तो 10 टू द पावर, बिकॉज लॉग हटाएंगे तो लॉग टू द बेस 10 था ना, तो उसके कोएफिशिएंट के रेस 2 में वहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ट्रांसमिटेंस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस ए का वैल्यू हमने क्या सब्सटीट्यूट किया, ए का वैल्यू वाज लॉग टू द बेस 10 ए जीरो आई जीरो अपॉन आई, पर ये अल्फा बी सी भी तो होता है ना, तो दिस विल बी सॉरी एप्सिलॉन इंटू बी इंटू सी। ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। तो यहां से हमारे पास तीन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकले। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला निकला, जो ये होता है, हमारे पास लॉग टू द बेस टी का फॉर्मूला निकला, उसी से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया, उसी से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। ये फॉर्मूले कुछ काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रहने चाहिए। अब तक जो मैंने पढ़ाया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखें, बाद में इसको लिख सकते हैं।
तो अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ये फॉर्मूला अक्सर नेट, सेट, गेट, आईआईटी, जेम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। एंड ट्रस्ट मी, इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये फॉर्मूला दिया नहीं होता। एंड मेनी टाइम्स वी गेट कंफ्यूज कि ये फॉर्मूला आया कहां से। देखो एक सिंपल सा फंडा लेते हैं। मुझे बताओ ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास। ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला था आई अपॉन आई जीरो। अच्छा, इसका मतलब परसेंटेज ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगा। परसेंटेज ट्रांसमिटेंस का मतलब आई अपॉन आई जीरो मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। इसका मतलब देयरफॉर मैं यहां से कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं, आई डिवाइडेड बाय आई जीरो का फॉर्मूला जो हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब था आउट ऑफ 100 कितना। तो जब भी आप परसेंट निकाल रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो, ये तो आपका नॉर्मल रेशियो हो गया। इसको कहते हैं परसेंटेज, या इसको एक तरीके से फ्रैक्शन कह सकते हैं। ये परसेंटेज के टर्म्स में हो गया। तो आई अपॉन आई जीरो विल बी इक्वल टू परसेंटेज ट्रांसमिटेंस डिवाइडेड बाय 100। क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा हम परसेंटेज के टर्म्स में बात करते हैं, भाई कितना परसेंट ट्रांसमिट हुआ और कितना परसेंट एब्जॉर्ब हुआ। वी डोंट स्पीक इन टर्म्स ऑफ में भी 500 में से कितना गया कितना रह गया। हम हमेशा जो भी बात करते हैं किसके टर्म्स में बात करते हैं, परसेंटेज के टर्म्स में। तो समझना काफी आसान हो जाता है। मैं अगर आपसे कहता हूं कि 60% ट्रांसमिटेंस है, इसका मतलब 40% एब्जॉर्बेंस हुआ है। तो 60% ट्रांसमिट हो गया है, 40% एब्जॉर्ब हुआ है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन कम है। अच्छा, अब मुझे एक और फॉर्मूला पता है। मेरा फॉर्मूला मुझसे क्या कहता है, अगर मैं ये फॉर्मूले को देखने की कोशिश करूं तो मेरा फॉर्मूला मुझसे कहता है लॉग टू द बेस 10 ऑफ ट्रांसमिटेंस विल बी इक्वल टू माइनस ए। देयरफॉर कैन आई से ए विल बी इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ ट्रांसमिटेंस। एग्री करते हो। अच्छा, आप मुझे बात बताओ लॉग टू द बेस 10 ऑफ ट्रांसमिट, ट्रांसमिटेंस को हम सब्सिट्यूट कैसे करेंगे। ट्रांसमिटेंस को सब्सिट्यूट हम यहाँ से कर सकते हैं। ट्रांसमिटेंस का मतलब क्या होगा, तो दिस विल बी माइनस लॉग टू द बेस 10, ट्रांसमिटेंस क्या आ जाएगा आई अपॉन आई जीरो। आयो समझ में आया। बट आई अपॉन आई जीरो को और कैसे सब्सिट्यूट कर सकते हो, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस अपॉन 100। देखो यहाँ से मैंने यहाँ निकाला और यहाँ से फॉर्मूला मैंने यहाँ पे सब्सिट्यूट किया, तो आई अपॉन आई जीरो को मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस लॉग टू द बेस 10 वहीं के वहीं पे रहेगा। आई अपॉन आई जीरो की जगह सब्सिट्यूशन क्या आ सकता है, परसेंटेज ट्रांसमिट डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देयरफॉर ए एब्जॉर्बेंस विल बी इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 इनटू परसेंटेज ट्रांसमिटेंस माइनस, बराबर ना। एक काम करते हैं, इस माइनस को थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं और ब्रैकेट को अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस इधर बाहर रहेगा, दिस इज लॉग ए बाई बी, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग टू द बेस 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब लॉग टू द बेस 10 100 का आंसर 2 आता है, तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस एंड माइनस का माइनस कितना हो जाएगा प्लस, लॉग टू द बेस 10 कितना हो जाता है 2। देयरफॉर एब्जॉर्बेंस विल बी इक्वल टू 2 माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। अब ये फंडा याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एंट्रेंस पेपर्स में आपको परसेंटेज ट्रांसमिटेंस बताया जाएगा और आपको एब्जॉर्बेंस निकालने बोला जाएगा, उस केस में 2 माइनस लॉग टू द बेस 10 परसेंटेज ट्रांसमिटेंस करना आना चाहिए। मैंने बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में भी ये देखा और मैंने बहुत सारे नोट्स में भी ये देखा, जो क्लासेस के नोट्स होते हैं वो ये फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं देते, वो डायरेक्ट ये फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एंड मेनी टाइम्स, तो इससे पहले भी जो मैंने डेरिवेशन आपको कराया, बहुत सारे बुक्स में वो डेरिवेशन नहीं करते हैं, वो सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते हैं दिस इज सिमिलर टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इससे ही डायरेक्ट ये फॉर्मूला आ जाता है। आई होप यहां तक ये चीजें समझ में आई। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे मोलार एक्सटेंशन कोएफिशिएंट का यूनिट क्या होगा। मुझे लगता है अगर इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो अब आप इसके बाद अगर कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ते हो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, डू नॉट मेक अ हैबिट कि आप सिर्फ वीडियोस पे डिपेंडेंट हो। देखो वीडियोस पे डिपेंडेंट होना बहुत अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी करना, वीडियोस देख के पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आइंस्टाइन भी आके अगर आपको एक वीडियो लेक्चर दे के जाए तो भी उसके बाद आपको रेफरेंस बुक्स या बुक्स पढ़ना है। बुक्स पढ़ने से जो दिमाग में फिट होता है वो शायद वीडियोस देख के नहीं होता, और बुक्स में हमेशा बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। देखो जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो मैं भी पेपर पे लेके खड़ा होता हूँ, मैं भी उसको लिखता हूँ। मैनी अ टाइम्स हम बहुत सारे पॉइंट्स बोलना भूल जाते हैं। अब यार इतने पॉइंट्स याद नहीं रहते, हम स्क्रिप्ट बना के नहीं आते, हम ऑन द स्पॉट एक्सटेम्पोर स्पीच देते हैं यहाँ पे खड़ा। मैं तो एक्चुअली ऐसे ही करता हूँ, मुझे बाकी का नहीं पता। तो मेनी अ टाइम्स हम बहुत सारे पॉइंट मिस कर देते हैं, मतलब फिर आप वहाँ से बैठ, ये भी पढ़ाना चाहिए था, ये भी, अरे यार शिट इसमें तो ये भी पढ़ाना चाहिए था, इसमें तो ये भी पढ़ाना चाहिए था यार, ये भी कवर हो जाना चाहिए था, अरे मैंने ये पढ़ाना भूल गया। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी एक वेल डिसाइड प्री प्लान स्क्रिप्ट नहीं होती है, हम खुद ही कंटेंट डेवलप करते हैं, खुद ही उसको बनाते हैं। तो मैं इससे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो में जो हम पढ़ाते हैं ना वो अब 70% है, 30% जो एक्स्ट्रा होता है, या मैं कहता हूँ 80% है, 20% जो एक्स्ट्रा होता है वो आपको रेफरेंस बुक्स में पढ़ना ही पड़ेगा। ट्रस्ट मी, आप पढ़ो। और ऐसा भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ एक यूट्यूबर के वीडियोस मत देखो, इसके अलावा और भी यूट्यूबर्स के वीडियोस देखो, ताकि आपको समझ में आए कि एक ही टॉपिक को कितने अलग अलग एंगल से, कितने अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। बिकॉज एवरी यूट्यूबर विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन हिज और हर ओन वे, तो वो एक यूनिक वे होगी जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। इनकेस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये फॉर्मेलिटी है जो मैं कर रहा हूँ, इनकेस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाल बटन पे सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन पे
अंगूठा मार देना और शेयर करना यार। सब्सक्राइब लाइक तो चलो दूसरी बात है, शेयर जरूर करना। ना जाने आप जैसे कितने लोग होंगे शायद जो इस वीडियो को देखने के लिए बैठे होंगे, शायद उनको ये कंटेंट चाहिए होगा। आप अगर उन तक ये वीडियो पहुंचा दोगे, आप मेरा तो भला करोगे ही करोगे, उनका भी भला कर दोगे। मुझे इससे कोई पैसा नहीं मिलने वाला, यूट्यूब पैसा नहीं देता है ज़्यादा इन सब चीज़ों का। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।